लगे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी बधाई, आप सभी को गणेश चतुर्थी बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी गणेश चतुर्थी। आपको पता है ना आज पूरे इंडिया में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन सेलिब्रेट किया जाता है, तो वही आज हम सेलिब्रेट करेंगे। हमारे यहाँ घर में तो थोड़ा कम करते हैं, लेकिन जो भी कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे पूजा करते हैं वही मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। क्योंकि पहले तो यहाँ बहुत बड़े बड़े पंडाल लगते थे थोड़ा आगे जाके, तो मैं वहाँ अपने बच्चों को ले जाती थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो इस साल नहीं हो पा रहे हैं। कोरोना की वजह से काफ़ी सारे फेस्टिवल हमारे फीके पड़ गए हैं, लेकिन क्या हो गया, कोई बात नहीं, हम घर में रह के उनको एंजॉय करेंगे। तो मैं अपने घर के मंदिर में और अपने बड़े मंदिर में पूजा करूंगी, वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने भोग के लिए ना, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि आपको हमेशा, जैसे मैं राजस्थान साइड से हूँ, तो भोग के लिए आपको पुआ पूरी, पुआ क्या होते हैं जो आप चीनी का घोल आटे में मिला के बनाते हैं पुए से, वो बनाते हैं, वो ज़रूर होना चाहिए। पुआ पूरी छोले और हाँ, और कोई भी सब्जी जो आप बनाना चाहें। तो मैंने आलू की सब्जी बनाई थी आज सुबह मॉर्निंग में, और छोले और भोग के लिए जो बनाए थे, तो मैंने आलू की सब्जी बनाई है, छोले बनाए हैं, हलवा बनाया है, पुए बनाए और पूरी बनाई है, और मोदक मैंने मार्केट से मंगाए हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छी शॉप है एक तो स्वीट्स की, जहाँ पे बिल्कुल हाइजीनिंग करके स्वीट्स मिलती है, तो वही मैंने मंगाए हैं गणपति जी की, वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं अपने घर के छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलके गणेश जी की पूजा करूँगी, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गणपति बाबा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। तो चलिए हम जल्दी से पूजा कर लेते हैं सब मिलके। और मैंने ये पिंक कलर का सूट पहना हुआ है और मैं इस तरीके से तैयार हुई हूँ, तो अब हम जल्दी से पूजा कर लेते हैं। ये हमारी पूजा की थाली तैयार है, ये ड्राई फ्रूट्स है, ये दिए तैयार कर रखे हैं हमने, और ये हमारी भोग की थाली है, इसमें मैंने फ्रूट्स रखे हुए हैं, छोले, हलवा, पुए, पूरी और ये तक और फूल माला। तो चलिए ओ हरे अम्मा सुतर सुचर मैं बहुरा पेपा भी अधिकार धोते शेर तम्मा सिंधाम राम करो धम्मनी धाराम ओ हरे अम्मा सत्यंजन रत्ना आपत्ना हरों का विश्वेला आपत्ना सोरत नेली सरस्वती सिद्ध श्री महागणाधिपते नमो नमः लक्ष्मीनाभ्यां नमो नमः वामहेश्वराभ्यां नमो नमः वाणीश्वराभ्यां नमो नमः गजानं भूतगणाधिदेवितं गवेत् जम्बो फलचारुभक्षणम् उमादुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ओम गणपतये नमो नमः ध्यायै ध्यानं समर्पयामि ओम तस्मादेव सर्वदाजं मृगं मगराज्यं मावशोदाजने भद्राणि नमस्ते अन्धेराता गणदेवाभ्यमन्ता देवदस्तमन्त्रं समर्पयामि इतः चन्दनम् यहाँ पंडित जी बहुत ही अच्छे से पूजा करा रहे हैं, सारे एक मंत्र बोल बोल कर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मन को।
अभी नमदा गुला नमदा तो वाचन करने जारी है दादा नाम का छाने ओम कदी कल्याणम कदी सोवरी अद्वाय कदी भावाशा पुष्पम जमा लगायो नमो नमो माया ने गंगी आत्या ने भई प्रभो माया दारि भगवान गुला धनपति के जो जो बजाय था श्रोता वायु चपना वाले चंगा प्रत्यक्ष निबंध धरतयामि यहाँ मैं आपको वीडियो में पूरा नहीं दिखा पाऊंगी, अगर पूरी पूजा दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ॐ नाभ्यायासीदं दर्शकं गृह्णादयोः समवदतपधाम्भो मनिलाहारलोकाधारलोकानि विद्यं न वेदयान्ते मुखे आदुनीयं जलं समर्पयामि ईश्वराय वरदाय सुराप्याय जगद्धिताय नागाननाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरीशिताय भवनाथ नमो नमस्ते प्रार्थना सर्व समर्पयामि अब घर के सारे ही बच्चे पूजा करेंगे। ये मेरी बेटी है पूर्णिमा, अभी भगवान को धूप दिखा रही है। हाथ जोड़ उस साइड खड़ी होके, गणपति बाबा गणपति बाबा। चलो सब एक एक करके प्रणाम करो। अब हम सब मिलकर भगवान की आरती करेंगे। अब यहाँ पूर्णिमा हमारे घर के मंदिर में पूजा कर रही है। यहाँ हमारे पास ये छोटे से गणपति हैं, इनके हम वस्त्र चेंज करेंगे और ये अभी गंगा जल से शुद्ध कर रही हैं। हम गणपति जी के वस्त्र चेंज कर रहे हैं और हम अब इन्हें कौन से वस्त्र पहनाएंगे पूर्णिमा? बस मत्था टेको सॉरी। चलो चलो बोलो गणपति बाबा।
तो यही था मेरा छोटा सा गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम और भी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते और काफ़ी सारे लोगों को बुलाते और एक साथ सेलिब्रेट करते, लेकिन अभी हमने ऐसे ही सेलिब्रेट किया। आपको पता है ना, नॉर्थ साइड में ये कम सेलिब्रेट होता है, लेकिन जगह जगह पंडाल लगते हैं जो कि इस बार नहीं लग सके हैं लॉकडाउन की वजह से। तो मैं बच्चों को वहाँ ले जाती थी तो बच्चे वहाँ पर जाके पापा के दर्शन करते थे, मत्था टेक के आते थे। और घर में तो हम करते ही हैं। आपको पता है कि मेरे घर में मंदिर है, बड़ा मंदिर है जिसमें सभी लोग दर्शन करने के आते हैं। तो सबसे पहले मैंने उधर पूजा करी और फिर जो मैंने घर में इतना छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, फिर मैंने बच्चों के साथ मिलकर उसमें पूजा करी। तो इसी तरीके से हम अपने बच्चों को संस्कार भी दे सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने घर के जो परंपरा है, रीति रिवाज है, अपने बच्चों को कैसे सिखाएं। तो ये ज़रूरी होता है बच्चों के अच्छी परवरिश के लिए। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने घर में जो भी आप करते हो वो अपने बच्चों को ज़रूर सिखाओ। और भोग का सामान तो मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ही बना लिया था, नहा के एकदम से, तो उसका वीडियो मैंने शेयर नहीं करा है। लेकिन आपको पता ही है मैं हलवा कैसे बनाती हूँ, छोले कैसे बनाती हूँ, क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं, मेरी मदर इन लॉ वगैरह कहती है कि कोई भी भोग बनाओ उसमें पुआ पूड़ी वगैरह शामिल करो, क्योंकि ये क्या कहते हैं, हम राजस्थान साइड के हैं ना, तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने वही सब बना लिया, आलू की सब्ज़ी बना ली थी, वही हम खा लेंगे। और इसी तरीके से पापा का सिमरन करते हुए हमारा सारा दिन निकल गया। और मैंने ये पिंक कलर का ड्रेस पहना है। और इसी तरीके से मोदक मेरे को बनाने थे पर मैं बना नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कैसे तरीके से सेलिब्रेट करा, और मेरे पापा कैसे लगे, यानी कि गणपति पापा आपको कैसे लगे। वो तो अच्छे होते ही हैं, वो तो शुभ लाभ का प्रतीक है और उनकी पूजा सबसे पहले होती है। उनकी पूजा के बिना, उनकी पूजा की शुरुआत के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसी तरीके से हमने सेलिब्रेट कर कल के हड़ताली का तीज। आप सभी लोगों ने उसे बहुत अच्छे से बनाई होंगी। मेरी काफ़ी सारी दोस्त उस हड़ताली का तीज सेलिब्रेट करती है। बहुत कठिन व्रत होता है और बहुत मुश्किल से रखा जाता है। हम लोगों के यहाँ करवा चौथ मनाया जाता है और तीज हमारे यहाँ सावन की मनाई जाती है, जो कि जो अभी निकल गई है वो वाली, वो मैंने सेलिब्रेट करी थी, उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूँगी, तो आप चेक कर लेना। लॉकडाउन में जिस तरीके से भी हमारे त्यौहार बन रहे हैं वही मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। और नेक्स्ट ईयर आई होप ये कुछ भी नहीं रहेगा कोरोना, तो हम और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। जिस तरीके से भी मैं अपने घर में सेलिब्रेट करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप जितने भी लोगों ने हड़तालिका तीज बनाई हो तो मुझे अपने कमेंट करके बताइए कि आपने क्या क्या किया, क्या पहना, क्या बनाया, किस तरीके से सेलिब्रेट करी। तो मुझे अच्छा लगेगा आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के। और ये गणेश चतुर्थी में भी आपने क्या क्या किया ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं ज़रूर आपके कमेंट पढ़ूंगी और मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट पढ़कर, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड, बाय बाय। गणपति बाबा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ और इस कोरोना को जड़ से खत्म कर दे। ओके फ्रेंड, बाय बाय।